हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी इस समय मैं हूं अंधेरी रेलवे स्टेशन पर और आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं चल रहा हूं जुहू बीच। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाया जाए और आप सबको दिखाया जाए कि किस तरह से जुहू बीच का नज़ारा है। फिलहाल इस समय हो रहा है बारिश, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं स्टेयर के ऊपर। ये देखिए कुछ इस तरह से स्टेयर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आज मैं कई दिन से मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जगह पे जाकर मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लगातार बारिश हो रहा है और आज 3-4 दिन से बारिश लगातार हो रहा है, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन मैं निकल रहा हूँ तो दिन में एक वीडियो बन पा रहा है या बहुत मुश्किल से 2 वीडियो बन पा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-4 वीडियो अगर मैं निकलूँ तो सारा दिन निकाल के टाइम निकाल के मैं आ रहा हूँ, तो 2-4 वीडियो बनना चाहिए। लेकिन कर भी कह सकते हैं जब बारिश हो रहा है, तो फिलहाल अपने तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अभी फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर और यहाँ से मैं चलता हूँ। अभी बारिश हो गया है कम, तो जुहू बीच चलते हैं और आप सभी को वहाँ का व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और अभी ये आप लोग जो देख रहे हैं नज़ारा, ये है अंधेरी रेलवे स्टेशन का। तो मैंने सोचा एक बार चलते हुए आपसे दिखाया जाए। अंधेरी जुहू बीच के नियर बाई मैं हूँ और आप सभी को इस वीडियो में अमिताभ बच्चन का मैं घर दिखाने वाला हूँ, जो कि एक और इनका घर है। मतलब यहाँ पर इनका 2 घर है, ठीक है, अंधेरी जुहू बीच में। बहुत लोगों को नहीं पता है तो आपसे बताना चाहूँगा कि एक इनका पुराना है एक नया है। तो आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा अभी जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं जो सामने दिखाई दे रहा है घर, वही है अमिताभ बच्चन जी का घर। और देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनका ये घर है। बहुत लोगों को नहीं पता है, एक जुहू साइड की है और एक इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनका घर का व्यू है। तो दोस्तों अभी मैंने ये जो सिक्योरिटी गार्ड वाले खड़े हैं, मैंने उनसे पूछना चाहा तो हालांकि थोड़ा बहुत बताया लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा था। और जो उनका बात करने का थोड़ा सा देखा जाए बिहेवियर ना सही नहीं था, ठीक है। और ये जो है अमिताभ बच्चन जी का घर है, तो इसका नाम है प्रतीक्षा बताया जाता है, तो आप सभी को मैंने दिखाया है। बाकी चलिए हम चलते हैं जुहू बीच। तो दोस्तों अभी मैं चल के इधर से जा रहा था, तो आपसे बताना चाहूँगा अमिताभ बच्चन जी का घर यही है, जलसा जिसका नाम है। और आज संडे है तो शायद आएंगे, अगर आएंगे तो आप सभी को मैं दिखाऊंगा अलग से वीडियो में। फिलहाल अभी हम चल रहे हैं जुहू के साइड। दोस्तों अभी ये जो सर्कल देख रहे हैं, इधर से बहुत सारे रास्ते हैं जुहू बीच के जाने के लिए। इधर से भी है तो हम इधर से चलेंगे और एक रास्ता उधर से भी है, मतलब 2-3 रास्ते हैं आप जा सकते हैं। तो ये वाला थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, तो हम इधर शॉर्टकट तरीके से चल रहे हैं। तो अभी मैं उस साइड था और इधर चल के आ गया हूँ और देखिए यही रास्ता है। और देखा जाए दोस्तों, आज से मैं जैसा कि हर वीडियो बोलता रहता हूँ कि मैं यहाँ पे 5 साल बाद मैं आया हूँ इस जगह पे, तो देखा जाए काफ़ी बदलाव हुआ है। और ये रास्ता भी देख रहा है काफ़ी सफाई से बनाया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया रास्ता। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ उस लोकेशन पे, देख सकते हैं जहाँ पे मैं आप सभी को लेके आने वाला था, जुहू बीच। देख रहे हैं कुछ इस तरह से नज़ारा यहाँ का देखने को मिला है। और मुंबई का सबसे फेमस जुहू बीच माना जाता है। आइए आप सभी को मैं इधर का आसपास का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये क्या मैं देख रहा हूँ, सामने कोई स्टैचू बन के खड़ा हुआ है जिसको गोल्डन मैन के नाम से कुछ लोग जानते हैं। ये देख सकते हैं क्या बात है, काफ़ी अच्छा टैलेंट है यार, एकदम फिक्स, ना हिलना ना डुलना। ये देख सकते हैं आप, तो बिल्कुल मैं पास में आ चुका हूँ। देख सकते हैं क्या खूबसूरत प्यारा व्यू देखने मिल रहा है। तो भाई ये रहा हमारा जुहू बीच। ये देखिए यहाँ से लेके जहाँ तक नज़र जा रहा है, क्या प्यारा व्यू देखने मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल पास से ये हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हर 10-5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि प्लेन भी जाता है यहाँ दिखाई देता है। तो दोस्तों फाइनली मैं आप सभी को इधर का व्यू दिखा रहा हूँ और आपसे बताना चाहूँगा यहाँ पे देखिए आज संडे है तो कुछ इस तरह से अभी क्राउड देखने को मिल रहा है। और संडे को देखिए क्या होता है ना, लोग घर पे रहते हैं, छुट्टी रहता है, तो अपने फैमिली परिवार दोस्त यार या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग यहाँ पर आते हैं घूमने टहलने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए जो लाइट लगाई गई है और रात को ऑन होता है, अभी तो फिलहाल बंद है। और ऊपर जो दिख रहा है सबसे टॉप पर ये स्पॉट एक तरह से लाइट है, ताकि डायरेक्ट समुद्र के साइड लाइट जाए, बाकी साइड में नीचे भी लाइट लगाया गया है ताकि नीचे के साइड यहाँ पर जला रहे, ठीक है। और उधर वहाँ से अपना जुहू बीच स्टार्ट हो जाता है। और जहाँ तक हमें एक आइडिया है कि अभी ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये भी जुहू बीच में ही आता है, आगे तक है। और कुछ इस तरह से देख रहे हैं यहाँ नज़ारा है। बाकी यहाँ पे आएंगे आप अगर कुछ भी खाना पीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, नारियल पानी भी पीना है पी सकते हैं। और ये आज के डेट में देखा जाए जो समुद्र का व्यू आप लोग देख रहे हैं,
इसकी जो लहर उठ रही काफ़ी ही हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। और जहाँ तक नज़र आ दिख रहा है दूर दूर तक लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और यहीं से फिर से एक बार आप सभी दिखाना चाहूँगा हेलीकॉप्टर का व्यू। ये देखिए बिल्कुल पास से ही जा रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग दिख रहा है। और यहीं बगल में ही एयरपोर्ट है और हेलीपैड भी है, तो यहाँ पे जहाज़ और प्लेन दोनों आता जाता रहता है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं और आगे का आप सभी दिखाते हैं। जो भी है काफ़ी इन्जॉय करेंगे आप लोग अगर यहाँ पे आते हैं, मुंबई आते हैं तो ज़रूर आप लोग जुहू बीच घूमिए, क्योंकि मुंबई का सबसे फेमस जुहू बीच माना जाता है अगर आप घूमने आते हैं तो। बाकी कुछ इस तरह से देख रहे हैं चारों तरफ का व्यू। आइए आप सभी को दिखाते हैं कुछ कलाकारी। ये देखिए रेत से इंसान की तरह से चित्र बनाया जा रहा है। अब इसको क्या बोलते हैं हमें आइडिया नहीं, आप लोग देख लीजिए खुद। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी बताना चाहूँगा कि यहाँ से लगभग देखा जाए सारे बीच आपको दिखाई दे रहा होगा, हालांकि दूर है। यहाँ पे देखिए वॉली सीलिंग दिखाई दे रहा है और जो बादल है बिल्कुल, ये बिल्डिंग जो दिखाई दे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे, बिल्कुल टच हो चुका है। और इस साइड की अगर बात करें तो आपसे बताना चाहूँगा इधर मर्ड आइलैंड है, इस साइड देख रहे हैं लास्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है। बगल में ही यहाँ कुछ ही दूर पे वर्सोवा बीच दिखाई दे रहा है, हालांकि यहाँ से आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपसे एक आइडिया बता दे रहा हूँ। तो यहाँ अगर आते हैं तो मुंबई का देखा जाए लगभग जो बीच वाला पॉइंट है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप सभी को मैंने जुहू बीच घुमाया वीडियो के माध्यम से आप सभी ने इन्जॉय किया होगा। और आप सभी को चलते चलते बताना चाहूँगा अगर आप लोग घूमना चाहते हैं मुंबई कभी आते हैं तो ज़रूर इस स्थान पर आइए, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी इन्जॉय आप लोग करेंगे, ठीक है। और चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।